सांसद पप्पू यादव के दिवंगत पिता की स्मृति में पूर्णिया में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देश भर के जाने माने नेताओं ने शिरकत की। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां सांसद पप्पू यादव के दिवंगत पिता चंद्र नारायण बाबू की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा में आनंद मार्ग, सनातन, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जोर से झारखंड की बधाई के लिए। पहला शख्स है जिन्होंने इस देश के कुशासन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई और कुर्सी छोड़ करके जेल गए। इस मौके पर लोगों ने दिवंगत चंद्र नारायण बाबू की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर उनके मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना की। एक बार जोर से झारखंड की बधाई के लिए। पहला शख्स है जिन्होंने इस देश के कुशासन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई और कुर्सी छोड़ करके जेल गए। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के दौरान हजारों की तादाद में जुटे लोगों के प्रबंधन की कमान एक ओर सांसद पप्पू यादव ने संभाल रखी थी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी और राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन ने कमान संभाल रखी थी। जबकि कार्यक्रम के दौरान कोई मेहमान छूट ना जाए, इसके लिए परिवार के अन्य सदस्य भी लोगों के साथ खड़े नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।